बाबू पूजा सामने नवाज भाई इधर बाबू पूछे कितना हिलता रहे मत रुक रुक अभी मारती अरे रुक अरे उधर से नया कोर्स हुआ कड़क बाबू भाई गोली लग जाएगी सेम पोज वन मोर गोल बाबू पूजा सामने नवाज भाई इधर बाबू पूछे कितना हिलता रहे मत रुक रुक अभी मारती अरे रुक अरे उधर से नया कोर्स हुआ कड़क बाबू भाई गोली लग जाएगी सेम पोज सेम वन मोर गोल कोई नया पोस जा हाथ आ रहा चलो स्टार्ट करें सर टेल अस अबाउट द पोस्टर मूवी पोस्टर हाउ डिफरेंट इट इज दिस टाइम एंड पोस्टर जैसे नाम से पता है कि बाबू मोशाय बंदूकबाज तो ऑफ कोर्स बंदूक के बिना तो चलता ही नहीं बाबू मोशाय तो बहुत ही क्रूकी टाइप का पोस्टर्स के एक्शंस हैं इसमें और जैसे राजीव भाई हैं मार्चिंग आर्ट्स के तो वो उनके साथ में गैंग्स वासेपुर से करता आ रहे हैं हम लोग तो काफ़ी लंबा एसोसिएशन है तो उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता थोड़ा डिफरेंट और ऑफकोर्स कुशान का कॉन्सेप्ट है कुशान ने डायरेक्ट की है फिल्म तो पोस्टर भी वो फिल्म से बाहर नहीं जा रहे हम लोग जो फिल्म में जो पोस्चर फिल्म में है जेस्चर पोस्चर जो फिल्म में है वही वही रख रहे हैं फोटोशूट में भी थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर रहे हैं इस तरह
तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का रोल प्ले कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सिमिलर लगता है गैंग ऑफ वासेपुर को देखा जाए, वही किरदार वही, तो आगे चल के कुछ रोमांटिक मूवी का कुछ सोचा है या इसमें क्यों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी तो रोमांस कर सकते हैं हाँ रोमांस एक ही तरह थोड़ा ही होता है, रोमांस बहुत तरीके से होता है, आप भी अपने तरीके से अलग अलग तरीके से रोमांस करते हैं और आपके जो बड़े भाई हैं वो अलग तरीके से करते हैं रोमांस, हर आदमी में फ़र्क होता है। तो ऐसे ही इसके कॉन्ट्रैक्ट क्लियर जो मैं रोल कर रहा हूँ ये वाला बाबू मोशा है, इसका अलग तरीका है, जैसा है वो उसी तरीके से रोमांस करता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में अलग तरीके का रोमांस है ना, तो वो हाथ पकड़ने से पहले परमिशन मांगता है, यहाँ पे हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सीधा गन रख के रोमांस करता है, उस तरह की चीज़ें। एक्साइटेड हैं आप ये फिल्म को लेकर? ऑफकोर्स हर आदमी हर एक्टर एक्साइटेड होता है, हम भी एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके, काफ़ी इंटरटेनिंग फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है, मेरी तरह की मेरी औकात की जितनी कमर्शियल फिल्म होती है उस हिसाब से। How the experience to be the new actress? आप जिस न्यू एक्ट्रेस के साथ विदिता बैग एक्ट्रेस हैं और वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत ही उन्होंने काफ़ी उससे पहले भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका फिल्मों में, बहुत अच्छी बहुत सेलेक्टिव फिल्में करती हैं वो, तो इसमें बहुत ही बोल्ड रोल था उनका और बहुत ही सपोर्ट मिला उनका। तो जैसे कि आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए अपने फिल्मों में, बहुत बाद में आपको ब्रेक मिला और उसके बाद सफलता मिली आपको, तो कभी आपको ऐसा लगा कि बॉलीवुड में कि आपको परिवारवाद ना होने की वजह से? नहीं, मैं मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई इस तरह का कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं इस पोजीशन पे ना होता जहाँ पर, और अच्छे काम के हर आदमी रेस्पेक्ट करता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी हर एक आदमी के टैलेंट को बहुत ही रेस्पेक्टेडली देखा जाता है और उसको काम दिया जाता है। अगर हाँ देर होती है, देर तो हर फील्ड में होती है, और जब भी आप अपने जैसे काम चाहते हैं तो उसमें थोड़ा लेट तो होता ही इंसान। एक मिनट सर, लाइट आ रही है, ये फ्लैश बंद कर दिया, ये ब्लैक बंद है, Thank you.